क्या मायावती के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है एसपी? मायावती से मिले धोखे का बदला लेने वाली एसपी का क्या है ब्लूप्रिंट? लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह एसपी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक के बाद एक हमले कर रही है, उससे एसपी खेमा भड़का हुआ है। अखिलेश ने फिलहाल इस मुद्दे पर पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह की बयानबाजी से रोक रखा है, जिसके चलते एसपी नेता बीएसपी और मायावती के खिलाफ अपनी भड़ास को दबाए रखने पर मजबूर हैं। लेकिन अंदर खाने माया से मिले धोखे का बदला लेने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। दरअसल एसपी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने चुनाव में धोखा देने के मायावती के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का चरित्र किसी को धोखा देने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में एसपी ने पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया है, बावजूद इसके मायावती ने एसपी से गठबंधन तोड़ दिया और उपचुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उधर पूरे मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सभी को हैरानी हो रही है। लेकिन जानकारों की माने तो अखिलेश एक रणनीति के तहत खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। एसपी नेताओं को इस खामोशी में किसी का फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एसपी का फायदा जरूर है। एक सीनियर नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि चाहे तो पार्टी मायावती के आरोपों का पलटवार जवाब दे सकती है, लेकिन इससे स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि एसपी बीएसपी का गठबंधन सिर्फ दो दलों का गठबंधन नहीं था, बल्कि जनता का, खासकर दलित यादव समुदाय का जमीनी स्तर पर बना हुआ गठबंधन था। असल में एसपी को लगता है कि मायावती की ओर से गठबंधन तोड़े जाने से दलितों और पिछड़ों को तकलीफ हुई है। इसके अलावा गठबंधन टूटने से सामाजिक न्याय की लड़ाई भी कमजोर हुई है। ऐसे में दलितों के पढ़े लिखे तबके और अखिलेश यादव को लेकर सहानुभूति है। इसके अलावा मायावती ने अपनी राजनीतिक विरासत जिस तरह से भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश को सौंपी है, उससे भी दलितों का एक तबका बीएसपी से रूठा होगा। अब एसपी की नजर इन्हीं तबकों पर है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद एसपी की नजर अपने खिसके जनाधार को वापस लाने के साथ साथ मायावती के दलित वोट बैंकों पर भी है। एसपी ने दलितों की पासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की रणनीति भी बना ली है। इसके लिए पार्टी बीएसपी से आए और अपने दलित नेताओं को आगे बढ़ाएगी, अपने जनाधिकार को मजबूत करेगी। लेकिन कुल मिलाकर मायावती से मिले सियासी धोखे के बदले की स्क्रिप्ट तैयार है और अब सिर्फ एक्शन का इंतजार है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।